सर जल्दी हेरा फेरी 3 का अनाउंसमेंट सुनने को मिलने वाला है, कितने एक्साइटेड हैं? काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि जो फिरोज नाडियाडवाला है प्रोड्यूसर जो रहे हैं हेरा फेरी के, तो उन्होंने ये बात भी कही है, उन्होंने बोला भी है कि ऑफिशियली जो है अब हम इस पर काम कर रहे हैं और हेरा फेरी 3 जो है बनने वाली है। और सेम सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि सेम स्टार कास्ट के साथ बनने वाली है, यानी कि वो राजू बाबूराव श्याम तीनों वापस देखने को मिलने वाले हैं। जो ट्रायो है कॉमेडी का, सबसे बड़ा ट्रायो जो है कॉमेडी का आज तक का कह सकते हैं हम इतिहास में ही, अपनी फिल्मों के में तो कहेंगे जो सबसे बड़ा है, परेश रावल, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी, ये तीनों वापस साथ में देखने को मिलेंगे। और हेरा फेरी 3 जब आएगी तो वो तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि वो क्या होने वाली है। देखिए क्या है कि अक्षय कुमार की बड़ी से बड़ी फिल्में जो रही हैं काफ़ी हिट रही हैं, जो उनका दौर था वो 2008 का, वो अनबिलीवेबल दौर था उनका, अलग ही दौर था, वो स्वर्णिम उनका था। तो उसमें क्या हुआ था, देखिए कई पिक्चरें आई, वेलकम भी आई, लेकिन वेलकम का उन्होंने सीक्वल किया नहीं, ठीक है, वेलकम फिर भी ऐसे भी कमा के ले गए। भूल भुलैया को 2 भी उन्होंने नहीं किया, 180 करोड़ से ऊपर कमा चुकी है, तो वो कमा जा रही। अब आप सोचिए अक्षय कुमार ही इसका पार्ट भी होने वाले हेरा फेरी 3 का, वही ट्रायो वापस आएगा बाबू राव के रूप में, वापस परेश रावल भी देखने को मिलेंगे, तो फिल्म भयंकर बवाल मचाने वाली है, बहुत ही गजब की होने वाली है। और ऑफिशियली कंफर्मेशन आ गया, इस बात से मैं खुश हूँ, वरना बीच में हेरा फेरी 3 के लिए काम शुरू हुआ था, सभी को मालूम होगा फिल्म बनाई भी जा रही थी, दुबई में शूट हो रही थी, अक्षय उसके अंदर अभिषेक बच्चन भी थे, लेकिन वो फिल्म को डिब्बा बंद कर दिया गया था, फिल्म का शूट भी कुछ उन्होंने कर लिया था लेकिन बंद कर दिया गया। मैं कहा समझता हूँ कि वो सही फैसला लिया गया उस वक्त, जो भी रीज़न रहा हो, फाइनली जिस स्टार कास्ट जिनके साथ वो फिल्म बनना चाहिए अब वो बनने वाली है। और जल्दी मैं चाहूँगा, और मैंने सुना भी है कि फिल्म 2023 का जो पहला क्वार्टर होता है, यानी जो जनवरी फरवरी मार्च जो रहेगा, पहले 3 महीने के बीच में ही 2023 में इसकी शूटिंग भी शुरू हो सकती है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो है एक्साइटेड रहूँगा फिल्म के लिए, और मुझे लगता है कि फिल्म आएगी तो अलग ही लेवल का धमाल मचाएगी, और फिल्म मुझे लगता है बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ देगी। हेरा फेरी 3 मतलब ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर से भी जो बड़ा लेवल होगा ना, वो बनाने वाली है हेरा फेरी 3।